3 English chapter 7 The Sunflower. Long, long ago, the sunflower was not a flower that we see today. तो बहुत पहले हम लोग जो आज देखते हैं सूर्यमुखी का फूल, वह पहले सूर्यमुखी का फूल नहीं था. But it was a princess. लेकिन वह एक राजकुमारी थी. The princess was very lovely. वह राजकुमारी बहुत ही प्यारी थी. सी वाज द ओनली डॉटर ऑफ द किंग ऑफ सी. वह राजा के समुद्र के राजा की सिर्फ एक बेटी थी. दी प्रिंसेस लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल केव एट द बॉटम ऑफ द सी. यह राजकुमारी समुद्र के सतह में एक गुफा था सुंदर सा, उसमें वो रहती थी. द वॉल ऑफ द केव वेयर कवर्ड विथ ब्लू पियर्स. उस गुफा की जो दीवारें थी वह ब्लू मोती से ढका हुआ था, बना हुआ था. द फ्लोर मेड ऑफ पिंक सेल्स. उसका सतह जो था वह गुलाबी सेल से था. एंड द रूफ वाज कवर्ड विथ डायमंड. और उसकी छत जो थी वह हीरे से ढका हुआ था, बना हुआ था. द प्रिंसेस ऑल्सो हैड ए लवली कैरेज. प्रिंस राजकुमारी के पास एक प्यारी सी बग्गी थी. ए 100 सी हॉर्स पुल्ड द कैरेज. इस कैरेज को खींचने के लिए 100 समुद्री घोड़े थे, खींचते थे. द प्रिंसेस ट्रेवल्ड एवरीवेयर इन दिस कैरेज. राजकुमारी सभी जगह इस कैरेज में बैठ के घूमती थी, यात्रा करती थी. बट द प्रिंसेस वाज नॉट हैप्पी. लेकिन वह राजकुमारी खुश नहीं थी. सी वाज लोनली. वह अकेली थी. सी हैड नो फ्रेंड टू प्ले विथ. उसके पास खेलने के लिए उसके साथ कोई भी उसका मित्र नहीं था. वन डे सी हियर्ड अबाउट ए स्ट्रेंज प्लेस कॉल्ड द अर्थ. एक दिन उसने उस अनजान जगहों के बारे में सुना जिसको पृथ्वी कहते हैं. सी है ऑल्सो हियर्ड अबाउट ए यंग हैंडसम किंग ऑफ लाइट कॉल्ड द सन. और उसने ये भी सुना जो वहाँ पर एक सुंदर युवा राजा, प्रकाशों के राजा के बारे में सुनी थी, जो जिसको सन कहते हैं, सूर्य कहते हैं. द प्रिंसेस वांटेड टू मीट दिस हैंडसम किंग. राजकुमारी उस सुंदर राजा से मिलना चाहती थी. सो वन नाइट विदाउट टेलिंग एनी बडी द प्रिंसेस क्लाइम्ड इनटू हर कैरेज. इसलिए एक रात बिना किसी को कुछ कहे राजकुमारी उस बग्गी पे चढ़ी. सी वांटेड टू गो टू द अर्थ. और वह पृथ्वी पर जाना चाहती थी. सी वांटेड टू सी द सन. वह सूर्य को देखना चाहती थी. आज इतना ही, फिर अगले क्लास में. माय टर्न जी. इसे इंग्लिश वर्ड को याद कर लेना. मैं बनने वाला था.